शाहरुख खान की कमबैक मूवी पठान की कहानी हुई लीक। एक मशहूर फिल्म क्रिटिक ने पठान की कहानी को किया लीक। क्या फूटेगा शाहरुख और यशराज फिल्म्स की टीम का गुस्सा? वेल, किंग खान शाहरुख लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर फिल्म पठान के साथ वापसी करने वाले हैं। फिल्म भले ही अगले साल रिलीज होने वाली है, लेकिन इसका अच्छा खासा बज है। मेकर्स इस फिल्म को ग्रैंड लेवल पर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर फिल्म की स्टोरी कोई लीक कर दे तो कैसा लगेगा? खुद को नंबर वन क्रिटिक कहने वाले कमाल आर खान ने फिल्म की कहानी लीक कर दी है। केआरके ने ट्वीट करके फिल्म की कहानी फैंस को बताई है। उन्होंने पहला ट्वीट किया, एसआरके ने बीते 3 से 4 सालों से कोई फिल्म नहीं की है, तो मुझे लगा वो अपनी आने वाली फिल्म के लिए शानदार कहानी चुनेंगे, लेकिन पठान की स्टोरी कुछ ऐसी है। एसआरके रॉ एजेंट बने हैं, जॉन अब्राहम रशियन माफिया और दीपिका पाडुकोन पुलिस अफसर। इसके बाद एसआरके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी फिल्म हिट होगी। क्या आप सच में सीरियस हो भाई? दूसरे ट्वीट में केआरके ने लिखा, वो ये फिल्म इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टर की आखिरी फिल्म वॉर बिना किसी स्टोरी के सुपरहिट हुई थी, लेकिन उन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि लोग यंग स्टार टाइगर श्रॉफ और बेहतर डांसर ऋतिक रोशन को देखने के लिए गए थे, ना कि स्टोरी। वहीं लोग शाहरुख खान की फिल्म बिना कहानी के देखना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने अपने आखिरी ट्वीट में लिखा, आप बैंग बैंग वॉर और कुछ इंग्लिश एक्शन फिल्म्स देख लीजिए, आपको इसी के सीन्स पठान में मिल जाएंगे। ये फिल्म फ्लॉप होगी। एसआरके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ऋतिक और टाइगर से कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि अमिताभ बच्चन से। सलमान खान फिल्म पठान में कैमियो करेंगे। रिपोर्टेडली पठान में सलमान का रोल लगभग 20 मिनट का होगा। वो सीक्वेंस के इम्पोर्टेंट मोड पर एंट्री लेंगे। इसमें उनके कई एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ पठान में शाहरुख भी एक्शन सीन्स परफॉर्म करते दिखेंगे। वेल, फिलहाल केआरके के ट्वीट्स इंटरनेट पर वायरल हो रही है। यूजर्स उनके ट्वीट के नीचे तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वेल, केआरके के ट्वीट्स पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।